पटाखा चलाने वाले पे और बिक्री करने वालों पे भी जुर्माना का प्रावधान किया है और जुर्माना किया भी गया है। यदि और भी कई ऐसी बातें आती है तो निश्चित रूप से समय समय पर कार्रवाई करते रहेंगे। कंट्रोल रूम को नियमित रूप से लोग सूचना से वीडियोग्राफी सोशल मीडिया हर तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सरकार का जो संदेश है वो आम जन तक पहुंचाने की भरपूर प्रयास किया और इसी प्रयास की पहल के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य मंडल द्वारा दो स्थानों पर भीलवाड़ा जिले में नॉइज स्तर की जांच की गई और इस जांच में जो कुंभा सर्कल है जो कि एक व्यावसायिक श्रेणी का लोकेशन है, इन रिजल्ट्स को देखें तो गत वर्ष सामान्यतः 8 से 10 के बीच में पटाखों की जो बजाए जाने की गतिविधियाँ वो बढ़ती हैं तो इस वर्ष उसमें कमी पाई गई। गत वर्ष जो 75 था वो डेटा लगभग 71 के अराउंड आया है बीबीए में। हाँ, अब क्यों घटा है? इस बार तो रिजल्ट आए हैं, उसमें जो परिणाम है वो बताते हैं कि ध्वनि स्तर में कमी आई है। हाँ, कुंभा सर्कल वैसे एक कमर्शियल एक्टिविटी वाला एरिया है तो वैसे वहाँ यदा कदा ही बजते हैं आसपास, लेकिन पीछे की तरफ रेजिडेंशियल भी है, कुछ दुकानदार भी हो सकता है पटाखे बजाते होंगे, लेकिन फिर भी असर पिछली बार की तुलना में देखा जाए तो जो है अपना एवरेज है वो कम है, घटा है। इस बार ध्वनि स्तर में कमी आई है और आवासीय क्षेत्र में तो अत्यधिक कमी पाई गई है। गत वर्ष जो एवरेज था वो अपना आज़ाद नगर का वो 88.7 था डीबीए में और इस वर्ष जो पाया गया है वो 61 पाया गया है। तो देखा जाए तो लगभग मतलब ये जो कमी है ये 19 पॉइंट की कमी जो पाई गई है ध्वनि स्तर में, तो ये अपने आप में एक दिखाता है कि जो सरकार की पहल है उसका आमजन में जागरूकता आने के फलस्वरूप परिणाम मिला है कि लोगों ने पटाखे नहीं बजाए और उसका कारण ये भी रहा है कि प्रचार प्रसार तो किया ही है सरकार ने।